ओके सो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने के लिए हम जिस एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं वो आपको हम आगे बताने वाले हैं। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, आप लोग सभी लोगों को पता होगा। तो आज की इस वीडियो में जो हम वीडियो क्रिएट करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बता दूँ आप किस प्रकार के वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों अलाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही सही देखने को मिल जाता है। एंड आप एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर हमने इसको पिन करके रख दिया है, वहाँ से भी आप जाकर ले सकते हैं। एंड दोस्तों, इसे कैसे कैसे क्रिएट करना है, कौन कौन सा स्टेप इसमें होने वाला है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों, ओपन करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको आना है प्रोजेक्ट में। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शॉ बिटमार्क एंड सर्टिफिकेट का प्रीसेट एक्सएमएल फाइल दे दूंगा, जो कि आप क्लिक करके उसे डाउनलोड करके इम्पोर्ट आप कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इम्पोर्ट करने के बाद आपका जो शॉ बिटमार्क है इसको आपको ओपन कर लेना है। एंड दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको वीडियो क्लिप देखने को मिला होगा जो कि बहुत ही कमाल का, ऊपर से बिजली करंट वगैरह सब गिर रहा है जो कि इसमें क्रिएट किया गया है। तो एक वीडियो क्लिप है और स्टार्टिंग में जो हमने ये जगह छोड़ा है ये सिर्फ आपके लिए है कि आप अपना लोगो वगैरह लगा सकें। तो आपको इस प्रकार से नेक्स्ट बीट पर आपको चले जाना है और आपको प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो क्लिप दे दूंगा, उस वीडियो क्लिप को आपको इसमें ऐड करना होगा। यहाँ पर 2-3 वीडियो क्लिप आपको ये सब मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन शायद मैं दे दूंगा, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से ले लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, उस वीडियो क्लिप को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर हो गया हमारा वो वीडियो क्लिप इस प्रकार से है, ठीक है। और इसका क्या करना है आपको, इसका जो वैल्यूम है इसको आपको इस प्रकार से 0 पे कर देना है, ठीक है। इसका जो जो भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, अब इस ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर अगर आपका ये जो यहाँ पर जो आपका ये जगह दिखाई दे रहा है ये आपका यहाँ तक आप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको बचेगा, यानी कि जो हमारा ये यहाँ तक एनिमेशन क्रिएट हुआ है ना, ये आपका जो आपका ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर कर लेंगे इस प्रकार से कट, ठीक है। और इसका जो ये जो आपका ड्यूरेशन है थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर माइनस करेंगे थोड़ा सा तो ये आपका ये बढ़ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट बीट है इसको हम इस प्रकार से कर लेंगे कट। अब गाइस, ये हमारा ये कट हो जाएगा। अब गाइस, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है और यहाँ पर आपको एक और वीडियो क्लिप ऐड करना होगा जो कि आपको स्काई के नाम से कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। फिर आपको इसको क्लिक करना है और इसको इस प्रकार से थोड़ा सा आपको जूम कर लेना है, ठीक है। और इसको ऊपर में आपको इसको इस प्रकार से सेट कर लेना है, थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको सेट कर लेना है। अब गाइस, सेट करने के बाद इसका जो ये ब्लेंडिंग ऑपेसिटी पर जाना है और लाइटिंग पर जाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है, ओके। एंड इतना करने के बाद आपको जिसका वॉल्यूम इसको कर देना है आपको 0, ओके। एंड 0 करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैं बताऊँगा इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा। तो बैक करके हम आ जाते हैं अपने सेक इफेक्ट में। मैंने एक और इफेक्ट दिया है नीचे वाले में जो कि वाइब के नाम से है, तो इसको हम क्लिक करेंगे और थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। और आपका जो प्रोजेक्ट है इस प्रकार से बीटमार्क को ओपन कर लेना है। और यहाँ पर हमने जो भी वीडियो क्लिप ऐड किया था ये बादल वाला, इस पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करके हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। तो आपके जो आपका वीडियो क्लिप है इस पर क्लिक करके रखना है और लाइटन पे जाना है और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कलरिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये कलर डेज दिखाई दे रहा है डॉग, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये ऐड हो जाएगा, ओके। एंड इतना ऐड हो जाने के बाद आपको करना है फिर प्लस पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ पर आपको एक और वीडियो क्लिप देखने को मिल जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है, मतलब इसको नहीं ऐड करना है आपको, दूसरा वो वीडियो क्लिप है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं इस प्रकार थोड़ा सा आगे और प्लस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको एक रैन वाला वीडियो क्लिप देखने को मिलेगा जो कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा है, ठीक है। यानी कि जो ऊपर से बिजली वगैरह गिर रहा था वो है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से इसको ऐड कर देंगे। ये कुछ इस प्रकार से हो गया और इसका जो वैल्यूम इसको हम कर देंगे 0, ठीक है। फिर से आपको स्टार्टिंग पोजिशन पे आना है और आपको एक और वीडियो क्लिप देखने मिल जाएगा रैन वाला कुछ इस प्रकार से, जो कि आपको ऊपर से बारिश वगैरह हो रहा है। तो किस प्रकार से इसको हम ऐड करेंगे ये आपका थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो इसको हम कर लेंगे कट, ये भी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल सकता है, ओके। और इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको स्टार्टिंग पोजिशन पे आके यहाँ पर मिला देना है और इसको हम क्लिक करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ऊपर में क्लिक करना है और इसको इस प्रकार से स्क्रीन कर देना है। इसको हम थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि और भी अच्छा देखने में लगेगा। तो हम इसको इस प्रकार से कर लेते हैं फुल स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पर बैक करना है और इसको जो है आपको करना है ब्लेंडिंग ऑपेसिटी और लाइटन पे क्लिक करके स्क्रीन कर देना है। और इसका जो वैल्यूम है इसको हम कर देंगे 0। ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से हो गया है, ठीक है। अभी आपको एक और वीडियो क्लिप ऐड करना है तो हम प्लस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर एक वीडियो क्लिप है कुछ इस प्रकार से, ये वाला वाटर ड्रॉप वाला। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको आगे जाना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसको स्क्रॉल करना है, जो आपका ये वाटर ड्रॉप वाला वीडियो क्लिप है इसको आपको यहाँ तक इसको नीचे कर देना है।
और बैक करके आपको ब्रांडिंग ऑपोसिटिव जाना है। लाइटनिंग पर जाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है और स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर आपको मिलाना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको वाटर ड्रॉप यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे ताकि इसको हम नीचे कर सकें, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर जब ये प्ले होगा तो आप देखेंगे तो लगेगा कि वाटर ड्रॉप उसी में गिर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसका जो वैल्यूम है हम कर देंगे 0, ये भी इसका वैल्यूम 0 हो जाएगा। फिर आपको स्टार्टिंग पोजिशन पर आना है और यहाँ पर आपको एक करेंट वाला वीडियो क्लिप देखने को मिल जाएगा, तो वो भी आपको डाउनलोड कर लेना होगा। कुछ प्रकार से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आने के बाद इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे बड़ा कुछ इस प्रकार से, और इसको हम इस प्रकार से छोड़ देंगे। और लाइटन पे जाने के बाद यहाँ पर कर देंगे स्क्रीन, ये जो हमारा वीडियो क्लिप है ये वाला भी ऐड हो गया। ये सारा वीडियो क्लिप आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ओके। एंड यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा कुछ इस प्रकार से आपका देखने मिलेगा, तो इसका जो वैल्यूम इसको भी हम कर देते हैं 0 कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर आपका एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार से, जो आपका एनिमेशन क्रिएट हुआ है ये आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी गाइस आपको जाना है आगे, ठीक है। आगे जाने के बाद यहाँ पर कुछ वीडियो क्लिप वगैरह कुछ इफेक्ट भी है, तो ये आपको इस पर इसी प्रकार से रहने देना है। और यहाँ पर जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट इसमें आपको कट करना है तो वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये इफेक्ट वाला फोटो है इस पर क्लिक करेंगे, अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी फोटो पसंद आता है वो फोटो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से फोटोज़ को यहाँ पर ऐड कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐड हो गया इसके बैकग्राउंड में। और यहाँ पर ऊपर में क्लिक करना है आपको, शैडो पे क्लिक करके इस प्रकार से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फोटो अच्छा लगता है आप फोटो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने प्लस पर क्लिक करके इस प्रकार से फोटोज़ को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आपको ऊपर नीचे में क्लिक करना है, सेम उसी फोटो को आपको ऐड करना होगा जो आपने अभी ऐड किया है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से एनिमेशन क्रिएट हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस दोनों फोटो को हम यहाँ पर कर लेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेंगे। और आपको जाना है यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट बीट है आपको इस पर क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर देना है। फिर बीट के अकॉर्डिंग आपको इस प्रकार से कट कर लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब गाइस ये कट हो जाने के बाद आपको बीट पर क्लिक करना है, फिर से आपको पेस्ट करना है, फिर आपका जो नेक्स्ट बीट है इस प्रकार से क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पर इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है। और आगे जाने के बाद यहाँ पर जब तक ये डबल बीट नहीं आ जाता तब तक आपको पेस्ट करते रहना है। तो गाइस ये कुछ प्रकार से आपका पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग फोटो भी चेंज कर लेना है। अब गाइस फोटो चेंज हो जाने के बाद थोड़ा सा आपको आगे जाना है, जो आपका ये डबल बीट दिखाई दे रहा है टाइमर पे क्लिक करके इसको आपको यहाँ पर कर लेना है कट, ठीक है। एंड कट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके जाना है नीचे और यहाँ पर आपको ये सारे ग्रीन कलर के जो आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर आपको अपना फोटो ऐड करना है, जो कि बहुत आसान है फोटो ऐड करना। अब इस पर क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करके स्टाइल आइकॉन पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग जो भी फोटो आपको पसंद आता है अपना फोटो या किसी का फोटो आप इसमें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस कुछ इस प्रकार से आपको ऐड करना है बारी बारी से, जैसे मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने फोटो को ऐड कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ प्रकार से एनिमेशन और वीडियो क्लिप वगैरह ऐड किया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने में लग रहा है। फिर दोस्तों आपको जाना है आगे और आगे जाने के बाद यहाँ पर जो आपका एनिमेशन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी फोटो पसंद आता है आप वो फोटो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो प्लस पर क्लिक करके इस प्रकार से आप फोटोज़ को ऐड कर सकते हैं, ओके। एंड आपको जाना है आगे। अब कैसे आगे जाने के बाद यहाँ पर जो ये आपका इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है सिंपली आपको जाना है आगे और यहाँ पर जो है आपका डबल बीट है यहाँ पर फोटो आपको ऐड करना है, ठीक है। एंड जो भी आपको फोटो अच्छा लगता है आप फोटो ऐड कर सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिएगा और बच्चे के भाग को इस प्रकार से कट कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से लेकर पूरा लास्ट जितने भी आपको ये बीट दिखाई दे रहे हैं अगर मान लीजिए आपका जो वीडियो क्लिप वाला एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है कट, जैसे मैं यहाँ पर किया हूँ कट, ठीक है। अब ये कुछ प्रकार से ये कट हो जाएगा। अब इस कट हो जाने के बाद जो आपका स्टार्टिंग वाला ये वीडियो क्लिप है जो कि मैं आपको बता दूं जहाँ तक ये वाला वीडियो क्लिप है ये वाला, ठीक है, नीचे वाला, तो आपको जो कुछ कुछ पार्ट है जो कि जैसे वर्षा वगैरह हो रहा है तो एक्स्ट्रा पार्ट जो है ये बादल वाला इसको आपको कर देना है कट और जो वाटर ड्रॉप वाला है इसको भी आपको कट कर देना है। ये कुछ इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा जो कि काफ़ी मस्त भी देखने में लग रहा है। फिर दोस्तों आपको कर देना है आगे और यहाँ पर जो आपका डबल बीट है यहाँ पर आपको लगाना है इफेक्ट, तो बैक करके आते हैं सेक इफेक्ट में और जो हमारा ये नीचे वाला इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है और आपका जो प्रोजेक्ट है बीट मार्क इसको कर देना ओपन। और आगे जाना है जो डबल बीट दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। अभी इस यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक आपको इसी इफेक्ट के साथ ये फोटो को लगाना है। अब इतना कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें आपको लगाना होगा एसडीआर इफेक्ट, तो बैक करके आ जाते हैं अपने सेक इफेक्ट में। यहाँ पर आपको दो एसडीआर इफेक्ट देखने मिलेंगे, तो कॉपी लेयर कर लेना है और आपका जो बीट मार्क है इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ से लेके आपको लास्ट तक जाना है और यहाँ पर जो आपका एचडीआर वाला इफेक्ट है आपको इसको कर देना है इनेबल। तो यहाँ पर आपका जो इफेक्ट है फोटोज़ वगैरह है इसका जो कलर है वो सब एचडीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी आपको क्या करना है इसको अपने गैलरी में भी शेप करना होगा, तो ऊपर में बॉक्स पर क्लिक करके आप इसे बहुत ही आसान से अपने गैलरी में भी शेप कर सकते हैं।